हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय द्रव फार्मेसी चैनल। आज के टॉपिक हम लोग देखेंगे लैक्टोज। लैक्टोज यानी कि हमें मिल्क शुगर से इसे मिलता है या मिल्क शुगर भी इसे हम लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लैक्टोज है, ये हमारा डाइसेक्रेट्स का एक एग्जांपल है। और डाइसेक्रेट्स जो होता है हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट का एक क्लासिफिकेशन है। ठीक, आप लोग इसे जानते हैं या देख चुके हैं, पिछली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं इसके बारे में। तो देखिएगा, ये लास्ट टॉपिक है हमारा डाइसेक्रेट्स का। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पॉलीसेकेराइड्स। देखिए, केमिकल फार्मूला जो होता है इसका C12H2O11, अभी आप लोग पीछे देखे हैं। शुगर का भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होता है। और इसके बाद माल्टोज का भी C12H2O11। यानी आप लोग कह सकते हैं कि जितने भी डाइसेक्राइड्स हैं, डाइसेक्राइड्स के हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं, उनका केमिकल फार्मूला हमारा सेम होता है। जैसे कि स्टार्च शुगर हो गया, और शुगर नहीं सुक्रोज हो गया, और इसके बाद माल्टोज हो गया, और ये क्या लैक्टोज। ठीक, आगे लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड्स विच इज़ फाउंड इन द मिल्क ऑफ ऑल मैमल्स। यानी कि जो हमारा डाइसेक्राइड्स होता है, ये कहाँ से मिलेगा इसमें, तो मिल्क जितने भी मैमल्स होते हैं उनसे क्या होंगे, हमें उनके मिल्क से क्या मिलता है, डाइसेक्राइड। ठीक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर, इसे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हैज़ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ईच विच इज ज्वाइंट टुगेदर थ्रू ए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी कि देखिएगा, हमारे जो लैक्टोज मॉलिक्यूल्स हो गया, इसके पास क्या होता है, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो गया, दूसरा हमारा क्या होगा, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स होगा, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कैसे, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। देखिए, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ना हमारा, ये क्या है, कार्बन नंबर फर्स्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन नंबर 4 हो गया। ठीक, और ये हमारा क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बांड हो गया, यानी कि हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और लैक्टोज बनता किससे है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर के हमारा क्या बनेगा, लैक्टोज। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, हावर्थ स्ट्रक्चर, ये तो फिशर स्ट्रक्चर था हमारा, अब हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सेम वही चीज़ें हैं अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग अभी तक पीछे बनाते आए हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारा ये ग्लाइकोसाइडिक बांड हो गया। ठीक, ग्लाइकोसाइडिक बांड के बाद हमारा ये क्या हो गया, ग्लूकोज स्ट्रक्चर हो गया, ये फ्रक्टोज स्ट्रक्चर हो गया। तो 1 और 4 ग्लाइकोसाइडिक बांड के थ्रू क्या करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे। ठीक, आगे देखिए, लैक्टोज फॉर्म्स एन इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विथ मिनरल एसिड आर लैक्टोज एंजाइम। यानी कि ये देखिए, हमारा क्या हो गया, लैक्टोज हो गया और H2O मॉलिक्यूल्स हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड लैक्टोज। HCl लैक्टोज के प्रेजेंसेशन में ये क्या करेंगे, मतलब ब्रेकडाउन किस में होते हैं, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। यानी कि जो हमारे गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स, गैलेक्टोज होता है, क्या करेगा, फॉर्म्स इक्यूमोलर मिक्सचर, यानी कि एक बराबर का मिक्सचर फॉर्म करता है, किसका, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। यानी कि जितने क्वांटिटी में हमारे ये रहेगा, उतने क्वांटिटी में हमारा गैलेक्टोज भी होगा, विथ मिनरल एसिड या फिर लैक्टोज एंजाइम। या तो हमारा एक मिनरल एसिड होगा, ये HCl होगा, या फिर लैक्टोज होगा। आगे, लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क इज कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड बाई लैक्टेज एंजाइम सो द मिल्क बिकम सोर। यानी कि जो हमारा लैक्टोज होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, या कन्वर्टेड होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, किसके द्वारा कन्वर्ट होता है, तो लैक्टोज एंजाइम के थ्रू। सो इसीलिए हमारा मिल्क कैसा होता है, थोड़ा सा शोर, यानी कि थोड़ा सा कड़वा टाइप में हम लोग कह सकते हैं, कड़वा नहीं कह सकते हैं, सोर होता है। ठीक, थोड़ा सा मतलब खट्टा टाइप में आता है। अगर यहाँ पे देखिएगा, हमारा ये क्या हो गया, लैक्टोज हो गया, H2O मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज इज ब्रेक डाउन इनटू 4CH3CHOSCOOH। ठीक, ये देखिए हमारा COOH है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये हमारा सोर टाइप का होता है। ठीक, इसका यूज़ देख लेते हैं। यूज़ ऑफ लैक्टोज इन मेकिंग बॉडी फूड्स, इसको हम लोग क्या, बॉडी फूड्स को बनाने में ये हेल्प करता है। इन मेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इन मेकिंग सिल्वर मिरर एंड वाइन, और ये सिल्वर मिरर और वाइन बनाने के लिए भी इसका यूज
किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा, आप लोगों डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।